रात के 9 बज गए हैं, अब तक ये लड़की घर नहीं आई। आपके लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखा है इसे। शांत हो जाओ, आ जाएगी। वैसे भी आज उसका फैशन डिजाइनिंग का कॉम्पिटिशन है। आग लगे उस कॉम्पिटिशन को। लड़कियों को ये सब शोभा देता है क्या? ऐसे आधे आधे कपड़े पहनना, रात होने तक घर के बाहर रहना। अरे किस सदी में जी रही हो? आजकल की लड़कियां बहुत स्मार्ट हैं, वो अपना ख्याल रख सकती हैं। हाँ हाँ, सब दुनिया वाले बोलने लगेंगे ना, तब समझेगा। मेरी तो सुननी ही नहीं है तुम बाप बेटी को। बस तभी ईशा घर लौटी। कपिल ने उसे आंख मारी और फिर अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। ये कोई टाइम है घर आने का? कल से ये सब नहीं चलेगा, अब जाओ अपने कमरे में। और इससे पहले कि कविता ईशा पर बरसती, ईशा अपने कमरे में जा चुकी थी। इसी तरह हर वक्त ईशा के पापा उसे मम्मी की डांट से बचा लेते थे। कुछ महीने बाद कविता ने ईशा के लिए एक रिश्ता ढूंढा। ईशा शादी के लिए तैयार नहीं थी। मुझे नहीं पता इतना अच्छा रिश्ता फिर तुझे नहीं मिलेगा, मैं बोल रही हूँ, बस तेरी शादी तय है। मुझे नहीं करनी है शादी माँ, मेरे लिए मेरा करियर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कविता और ईशा शादी को लेकर झगड़ ही रहे थे कि कपिल ऑफिस से लौटा। देखिए ना पापा, माँ मेरी शादी करने की जिद कर रही है। जिद? 25 साल की हो गई है, रिश्तेदार ताने मारने लगे हैं, जिद ना करूं तो क्या करूं? लेकिन पापा, मुझे फैशन डिजाइनिंग में मेरा करियर बनाना है, मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप तो जानते हैं ना मेरा करियर मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आग लगे तेरे करियर को। लड़कियों का काम शादी करके अपने पति के करियर को बनाना होता है, ना कि अपने। पापा समझाओ ना माँ को। कविता कविता, अब बच्ची का मन नहीं है तो जबरदस्ती शादी के पीछे क्यों लगी हो? मन नहीं है का क्या मतलब? 25 साल की हो गई है घोड़ी, इसके बाद अगर रिश्ता नहीं आया तो जिंदगी भर पालना पड़ेगा इसे। मेरी बेटी है, मैं पाल लूंगा, तुम इसकी चिंता मत करो। उसे अभी शादी नहीं करनी तो तुम जबरदस्ती मत करो। अब जाओ मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो, मुझे भूख लगी है। कविता गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई और ईशा ने अपने पापा को हग किया। आई लव यू पापा। आई लव यू टू। ईशा ने अपने करियर पे कॉन्सेंट्रेट किया। वो दिन रात कड़ी मेहनत करके डिजाइनिंग करती रही और उसके पापा उससे सपोर्ट किया करते थे। पापा कल मेरा कॉम्पिटिशन है, आई होप मेरी डिजाइन सेलेक्ट हो जाए। जरूर होगी, डोंट वरी। अगले एक साल तक ईशा अलग अलग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेती रही और एक साल बाद उसकी तस्वीर न्यूज़पेपर में आई और लिखा था बेस्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर, जो देखकर कपिल का सीना चौड़ा हो गया। उस रात कपिल और कविता बेसब्री से टीवी के सामने बैठे थे क्योंकि उनकी लाडली आज टीवी पर आने वाली थी। तो आपके सामने है ईशा कपिल रॉय, बेस्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर। तो ईशा, आप सिर्फ 26 साल की हैं और आपने बेस्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर का टाइटल हासिल किया है, क्या आप हमें इसका राज बताएंगी? राज? मेरे पापा हैं, वो मेरे सपोर्ट सिस्टम हैं, मेरे हर डिसीजन में उन्होंने मेरा साथ दिया। और आज अगर उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ होती। उन्होंने मेरे ड्रीम्स के लिए दुनिया की फिक्र नहीं की। He is the bravest man I have ever met. I love you, Papa. I love you too. आज कपिल की आंखों में खुशी के आंसू हैं, क्योंकि उसने अपनी बेटी की खुशी का ख्याल रखा। कपिल की तरह हर पापा अपने बच्चों के लिए स्पेशल होते हैं, उनके आइडल्स। आज फादर्स डे पर हम कपिल जैसे हर फादर को सलाम करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। हैप्पी फादर्स डे। इम्पोर्टेंट
दूल्हों की आजकल बड़ी डिमांड है। ये है मिस्टर चड्ढा, जिन्होंने अपनी बेटी माया के लिए एक इम्पोर्टेड दूल्हा ढूंढ लिया है और आज वो उनके घर आने वाला है। सब तैयारियां हो गई ना, कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ हाँ, मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ बना लिया है। देखिए कितना सारा स्नैक्स बनाया है, पनीर के पकोड़े, समोसे, जलेबी, लस्सी, लड्डू। बस बस, अब ये सब उन लोगों को पसंद आ जाए। यश अपनी मॉम के साथ मिस्टर चड्ढा के घर आया। दोनों फैमिलीज ने एक दूसरे को ग्रीट किया और फिर मिसेस चड्ढा माया को ले आई। माया की ब्यूटी देखकर यश चारों खाने चित हो गया। उसे माया पहली नजर में ही पसंद आ गई। सभी लोग बातचीत कर रहे थे। बेटा तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, लो समोसा जलेबी सब यहाँ के बेस्ट हलवाइयों से मंगवाई है। हलवाई? मैं तो सिर्फ 5-स्टार होटल का खाता हूँ, पता नहीं कौन से तेल में ये सब फ्राई किए होंगे, कितने हाइजीनिक होंगे ये भी पता नहीं। आई एम फाइन, मैं ये सब नहीं खाऊंगा। कोई नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम याद रखेंगे। कम से कम चाय तो पी लो, माया ने खुद बनाई है। या श्योर। यश और उसकी मॉम ने सिर्फ चाय पी, बाकी कुछ भी नहीं खाया। मुझे माया पसंद है, अगर आपको मैं पसंद हूँ तो अगले महीने ही शादी निपटा लेते हैं। अरे वाह जी वाह, ये हुई ना बात, बेटा हमें भी तुम पसंद हो। माया के पापा ने हाँ तो बोल दी, पर माया को यश कुछ खास पसंद नहीं आया। सब चले जाने के बाद मिस्टर एंड मिसेस चड्ढा बहुत खुश थे। तभी माया उनके पास आई। पापा ये क्या, आपने इतनी जल्दी हाँ क्यों बोल दी? बेटा ऐसे इम्पोर्टेड रिश्ते जल्दी मिलते नहीं, अच्छा हुआ तेरे पापा ने हाँ बोल दी। पर मम्मी तुमने देखा ना वो कैसे है, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, हलवाई एकदम टिपिकल स्टैंडर्ड कॉन्शियस। इम्पोर्टेड है तो ऐसा ही होगा ना, धीरे धीरे ये सारा इम्पोर्टेड वाला एटीट्यूड खत्म हो जाएगा। वैसे भी तू मेरी बेटी है, तू तो इस उल्लू के पट्टे को सीधा कर ही देगी। माया अपने मम्मी पापा की बातों से मान गई और वो भी शादी के लिए राजी हो गई। कुछ दिनों बाद यश अपनी कार में माया के घर आया। अंकल आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं माया को अपने साथ ले जाऊं, कार सेलेक्ट करने हैं और कुछ शॉपिंग भी करनी है। जी बेटा क्यों नहीं। और माया यश के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। डोंट यू लाइक द कार? अच्छी है, नाइस। अच्छी होगी ही, इट्स एक्सपेंसिव, 50 लाख, 50 लाख। गुड गुड, मैं हर चीज एक्सपेंसिव ही खरीदता हूँ। वो क्या है कि मेरा एक स्टैंडर्ड है और मेरा मानना है कि एक्सपेंसिव चीजें अच्छी होती हैं, इसीलिए तो महंगी होती हैं। ओके, यश की कोई भी बात माया के पल्ले नहीं पड़ रही थी। माया उसे एक लोकल वेडिंग कार्ड वाले के यहाँ ले गई। यहाँ? हाँ, ही इज द बेस्ट कार्ड मेकर। ना, इतनी छोटी सी दुकान है, तुम मेरे साथ चलो। फिर यश माया को एक बड़ी सी दुकान में लेकर गया और यश की पसंद से उन लोगों ने कार्ड का ऑर्डर दे दिया। तभी माया की नजर गोलगप्पे के ठेले पर गई। चलो यश गोलगप्पे खाते हैं। नो नो, दिस इज वेरी अनहाइजीनिक, वो देखो वहाँ एक 5-स्टार होटल है, हम वहाँ कुछ खा सकते हैं। अब माया ने सोच लिया था कि इस इम्पोर्टेड दूल्हे को समझाना ही पड़ेगा। वो यश के साथ होटल में चली गई। माया ने मेन्यू में से सबसे महंगी चीज ऑर्डर की, 1 hot and spicy soup फॉर सर एंड 1 lemonade फॉर मी। यश का सूप आया और जैसे ही यश ने सूप पिया उसके कानों से धुआं निकलने लगा। सूप बहुत तीखा था। Give me water, it's burning. नहीं नहीं यश, ये तो नॉर्मल वाटर है। वेट, मैं सबसे महंगा पानी मंगवाती हूँ। वेटर,
सबसे महंगा पानी लेके आओ जल्दी प्लीज। यश की जुबान जल रही थी, वो वेट नहीं कर सकता था और उसने वही सादा पानी पी लिया। अरे रे रे, ये क्या यश, ये पानी तुम्हारे स्टैंडर्ड के लिए सही नहीं था। अब तुम्हें स्टैंडर्ड की पड़ी है, पानी नहीं पीता तो पता नहीं मेरा क्या होता। एग्जैक्टली यश, मैं भी यही बोल रही हूँ। जरूरी नहीं महंगी चीज ही अच्छी हो, सस्ती चीज भी अच्छी हो सकती है। समझ गया। इस दिन के बाद इम्पोर्टेड दूल्हा बिल्कुल बदल चुका था, अब वो माया के साथ गोलगप्पे भी खाता और मिसेस चड्ढा के समोसे भी। उसे समझ आ गया था कि चीज की वैल्यू सिर्फ पैसे में नहीं होती। विनय और राधा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राधा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। क्यों, क्या हुआ? मैंने माँ को हमारे बारे में बता दिया और वो तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर राधा, एक प्रॉब्लम है। क्या? माँ को कुत्तों से नफरत है और तुम्हें कुत्तों से प्यार। अगर वो तुम्हारे घर आई और उन्हें कुत्ते देखे तो पता नहीं क्या हो। मैं अपने कुत्ते मेरी मामा के यहाँ भिजवा देती हूँ कुछ दिनों के लिए। ठीक है, पर क्या तुम उनके बिना रह पाओगी? अब आदत तो डालनी ही पड़ेगी ना। जब विनय की माँ शशिकला राधा के घर आई तो उन्हें हर चीज अच्छी लगी और दोनों की शादी तय हो गई। लगभग एक महीने बाद विनय और राधा की शादी हो गई और वो लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। शादी के कुछ दिनों बाद राधा को अपने पालतू कुत्तों की याद आने लगी, वो उन्हें मिस कर रही थी। एक दिन बातों बातों में राधा ने अपनी सास को पूछा, सासू माँ, विनय बोल रहे थे कि आपको कुत्तों से नफरत है, लेकिन क्यों? ये उन्हें भी नहीं पता। नफरत तो है, मैं बहुत छोटी थी जब अकेले सूरज ढलने के बाद गांव में घूम रही थी, अचानक कुछ जंगली कुत्तों ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे बहुत चोट आई। बस उनमें से एक चोट का निशान अभी तक मेरे सिर पर है, ये देख। तब से मुझे कुत्तों से नफरत है। ठीक है, अब राधा क्या कर सकती थी, उसके पास कोई पर्याय नहीं था। एक दिन जब राधा सामान लेकर घर की ओर आ रही थी तब उसे एक कुत्ता दिखा जो भूख से तड़प रहा था। राधा को उस पर तरस आ गया। राधा ने अपने झोले से बिस्किट का पैकेट निकाला और उस कुत्ते को दे दिया। जब राधा जाने लगी तो वो कुत्ता भी राधा के पीछे पीछे चलने लगा। अरे मेरे बाप, तू मेरे साथ जाएगा तो मेरी सास मेरी जान ले लेगी। वो कुत्ता नहीं रुका, राधा उसे अपने घर के पीछे की गली में ले गई। अब यहीं रह, मैं रोज तुझे खाना खिलाऊंगी। इस दिन से वो कुत्ता रोज खाना खाने राधा के घर के पीछे की ओर आता था। कभी कभार इस कुत्ते की भौंकने की आवाज राधा की सास को सुनाई देती। ये कौन सा नया कुत्ता आ गया है गांव में, रोज भौंकते रहता है। मैं भगाती हूँ उसे, आप आराम कीजिए। और राधा चुपके से रसोई से रोटी निकालकर कुत्ते को खिलाने के लिए ले जाती थी। बहुत जल्दी राधा और वो कुत्ता दोस्त बन गए थे। एक रात जब सब सो रहे थे तब राधा के घर में चोर आए। चोरों ने बड़ी सफाई से घर की एक एक महंगी चीज अपने झोले में भर ली। वो चोर पीछे के दरवाजे से भाग निकलने देख रहे थे कि कुत्ता भौंकने लगा जोर जोर से। भौंकने की आवाज से घर वालों की नींद खुली। चोर हड़बड़ा कर भाग निकलने देख रहे थे
कि कुत्ता उन पर झपटा और उन चोरों की झोली वहीं गिर गई। लोगों को आता देख चोर भाग निकले। वो झोली कुत्ते ने खींचकर राधा को दे दी। ये देखकर शशिकला को भी अचंभा हुआ। सासू माँ, माना आपको कुत्ते पसंद नहीं, पर कुत्ते होते बड़े वफादार है। इस बेचारे को मैं छुप छुप कर रोटी खिलाती थी और देखिए इसने हमारा सारा धन हमें लौटा दिया। तुम ठीक कह रही हो, आज से मैं खुद इसे रोटी खिलाऊंगी। इस दिन से शशिकला ने उस कुत्ते को अपना पालतू कुत्ता बना लिया और वो उनके घर का सदस्य बन गया।